गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। हमारे पास तो इतने गायक हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसे ही गुरु हमको मिलो। ये मिलता ऐसा कि ये बोलता आधा घंटा डेढ़ घंटे हम लोग गाते तो कितना आनंद आता, इसके सामने तो गूंगा होने के बैठे, गूंगा होकर बैठना। वैष्णवी कलकत्ते से आई साक्षात मीरा जैसी, उनकी आवाज अगर आप लोगों ने कभी सुन लिया तो अद्भुत आवाज, अद्भुत साध्वी है, जीवन में परमहंस की तरह रहती है, अद्भुत और स्वरचित रचनाएं निज रचती हैं। मनीष राघव ये सब लोग ऐसे बैठे हैं, और सारे हमारे जो संगीतज्ञ हैं जो भी, और कल आप भी बहुत अच्छा, वो कौन गा रहे थे भाई, कल कोई गा रहा था ना गोपी गीत, किसने गाया था, आज नहीं आए, अच्छा अच्छा हाँ बहुत बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया। लेकिन बड़ी मुश्किल है कि अब क्या करोगे, निर्वाह करना है हमारे ही साथ तुमको। हम लोग कोई वेस्टर्न सोसाइटी के तो है नहीं कि तलाक ले लेंगे, तो सात जन्म चलने वाली बात है, अब चुनने से पहले सोचना था। अब तुमने तो चुनाव भी इसीलिए किया था, मनीष पहली बार गाने आया था तो गाने तान तमुरा लेकर के आया, सूफी संगीत अपना पूरा नाज नखरा, 20-25 लोगों के साथ भारत के शीर्ष सूफी संगीतज्ञ मनीष जी आया, आओ। और सुबह सुबह हमारी चल रही थी कथा, और पूछा इन्होंने, इनको जो बुलाया था, बोला ये गा कौन रहा है, पहले से कोई गायक आया क्या, बोला ये हमारे गुरु जी हैं, बोला फिर हमारी क्या जरूरत है। अब बताओ, हमारे गुरुजी हमको कहते थे कि तुझसे बेसुरा आदमी इस पृथ्वी पर कभी पैदा नहीं हुआ, हमारे गुरुजी हमको ये बोलते थे कि तुझसे बेसुरा और बेताला आदमी इस पृथ्वी पर कभी कोई नहीं आएगा, तो ताली भी मत बजाया कर कीर्तन में, सब बाँट देता है, और हम चुप रहते थे। हाँ जी जी जी। और जिस दिन मेरे गुरु ने एक धोती देकर मुझे विदा किया, वो कारण कुछ और रहे। गुरुगादी चलती है पारिवारिक तरीके से, बड़े पुत्र को वहां गद्दी दी जाती है। मेरे गुरुदेव ने एक दिन धोती मेरे लिए लाई, एक धोती लाए, पकड़ जा। संपत्ति मेरी यहां रहेगी, संस्कार तेरे साथ रहेगा, पूरे भारत में जाकर रेगिस्तान में फूल। और एक धोती पूरे भारत, ये तो महाराज ये सब 4-5-8 साल से पता नहीं कैसे कैसे कौन बनाए बनाए, हमको कुछ खबर नहीं हुई उतना, और सचमुच मुझे खबर नहीं जो लोग, और मुझे नहीं लगता कि कभी आपको अपने सत्य का प्रचार करना चाहिए। जो सुनना नहीं चाहते वो सुनेंगे नहीं कितना भी बोलोगे, और जो आपको जानते हैं उनको सुनने की जरूरत ही नहीं, वो जानते हैं आपको। बोलना किसके लिए साहब, किसके लिए बोलना। तो ये सब किशोरी जी की कृपा, नहीं तो हमारे लिए तो एक गाड़ी, वही हम बताए ना, हम जो अपने हाथी पे चलते थे वही हमारे लिए आश्रम था। हाँ महाराज पीछे सब कुछ रहता था, वो अभी यहाँ सूरत में है तो सुबह महाराज जुहू पे मिलेंगे आपको, हाँ मुंबई, ऐसी हालत। फिर वृंदावन ऐसा भाया, ये जगह भी दुबे जी, ये भी आप तो जानते हैं, ये यहाँ इतना कटीला, ये वो, जल्दी इधर लोग आते नहीं थे उन दिनों की बात है, और यहाँ आकर उन झाड़ियों में, ठीक आश्रम का जो ये रोड है उन झाड़ियों में, बड़ी रज मुलायम, इतने इतने सांप, और मैं उसमें घंटों बैठ करके अपने ठाकुर के, अपने गुरु के मंत्र का जाप किया करता था। हमें क्या पता था हमें यहीं मिल जाएगा, यहीं किशोरी जी बसा लेंगी, अद्भुत, यही पूरा स्थान आश्रम के लिए निर्धारित हो गया। जहां वर्षों मैंने, मैं आता था साधक के रूप में, चुपचाप बैठ के माला करता था, क्या कमाल है। इसीलिए तो कहते हैं, सच कहता हूं, चाह गई चिंता गई, मनवा भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह।
चाह तो एक ही हो। हे किशोरी जी, हे जानकी जी, हे ठाकुर श्याम सुंदर, मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे गुरु, उनकी चाह। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं साहब, हृदय से, बस सुमिरन उन्हीं का हृदय में। वो बड़े भारी मैनेजर हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी से बड़ा कोई पॉलिटिशियन भी नहीं, ठाकुर जी से बड़ा कोई मैनेजर भी नहीं। पॉलिटिक्स जन्म ही लिया है श्री कृष्ण से। डिप्लोमेसी जितनी भी है, श्री कृष्ण का जन्म दिया हुआ है। इतना बड़ा डिप्लोमेट आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, जन्म लिया। ठाकुर जी की डिप्लोमेसी देखोगे तुम्हारा, इतने बड़े राजनीतिज्ञ बन जाओगे। थोड़ा बहुत पढ़ा करो ठाकुर जी के विषय में, और न पढ़ो तो कभी कभी सुना करो हमारे पास बैठ के, नहीं हम ही को बुला लिया करो, गुरु जी आ जाओ कुछ सुना दो। हम तो खाली वाली आदमी, अब चार साल में जिसको एक कथा करनी, आदमी खाली तो होगा, वो कहाँ भरा है, उसको कौन सा काम है। लेकिन सुनो, पढ़ो, जीवन की इतनी कठिनाइयां सहज हो जाएंगी, आप मुस्कुरा उठोगे। ओ वो भगवान, हे भगवान, इसको मैं 40 साल से ठीक नहीं कर पा रहा था, छोटी सी बात को। ये इस सूत्र में छिपा है, ये धर्म सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में। छोटे छोटे सूत्र जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं।